अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना बंदी का, लॉकडाउन का यह चौथा फेज है और 31 मई को, 31 मई को ये समाप्त होगा। लेकिन उसके बाद भी, यानी 31 मई के बाद भी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि लॉकडाउन तो समाप्त हो जाएगा लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं होगा, और कब खत्म होगा इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना असंभव है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसा ही कर रहा है। हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर बहुत खोल कर कहें तो हम लोगों को कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां, जैसे घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं, बिना मास्क लगाए, और अगर मास्क नहीं है तो कोई गमछा, कोई रुमाल, बड़ा सा रुमाल से ही नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए। इसके बिना बाहर किसी कीमत पर भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा यह है कि हमको भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। सोशल गैदरिंग, कोई सभा सम्मेलन, मतलब मैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा हूं। किसी से बात भी करनी है तो 2 गज 3 गज दूर से बात करें, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। ये जो हाथ मिलाने का प्रचलन चल रहा है देश में, उससे दूर रहें, नमस्ते करें, नमस्ते करें, ये हमारा देसी तरीका है अभिवादन का, हम नमस्ते करें। और बार बार हाथ धोने की आदत डाल लेनी चाहिए। साबुन से कम 20 सेकेंड तक हम रगड़ कर हाथ धोएं, और अगर बहुत हड़बड़ी में हो तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसे अपनाकर, जिसको अपनी आदत में शामिल करके हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। यह संभव नहीं है कि हम घर में ही बैठे रहें, कब तक रहेंगे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, दफ्तर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सावधानी के साथ जाएं, सावधानी के साथ आएं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।